विभाग द्वारा धार में चलाई जा रही मुहिम ऑपरेशन क्लीन स्वीप के अंतर्गत पुलिस द्वारा सिंघाना कुक्षी मार्ग पर गुजरात ले जाई जा रही करीब 21 लाख की अवैध शराब तथा करीब 10 लाख की कीमत का डंपर जब्त कर लिया गया। बीते दिनों धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार नागेश्वर सोनकेश्वरी के मार्गदर्शन में धार जिले में 6 माह पूर्व सुसारी टक्कर मारकर भागे डंपर को सिंघाना कुक्षी मार्ग पर पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि अलीराजपुर के रास्ते से गुजरात की ओर जा रहे डंपर में करीब 21 लाख की कीमत की अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि यह शराब अवैध रूप से गुजरात जा रही थी। पुलिस को देख मौके से डंपर में सवार 2 लोग फरार हो गए, वहीं एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।